और आपको बहुत दूर भी नहीं लिखना और बहुत पास भी नहीं लिखना, ठीक है। और थ की रूफ लाइन कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। और जितना बड़ा लेटर उतनी बड़ी रूफ लाइन, स्टॉप। और यहां पे फिर इसकी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपकी रूफ लाइन, ये वाला स्पेस इस पे हम कवर नहीं करेंगे। तो ये क्या बन गया, न थ नट, न थ नट। देखो पहले न लिखा है फिर थ लिखा है, तो हम न से ही इसको बोलना स्टार्ट करेंगे, न थ नट। नथ क्या होती है, आप कभी मैरिज में गए हैं, वहां पे आपने कभी दुल्हन को देखा है, ब्राइड को वो अपनी नोज में पहनती है। अगर नहीं देखा तो मम्मा को बोलना, वो आपको अपनी मैरिज की फोटो दिखाएगी, मम्मा ने भी उसमें पहनी होगी, नथ नथ। ओके, और न था ऐसे नहीं बोलना, आपको शॉर्ट साउंड बोलनी है। कोई भी आप इसमें व्यंजन रीड करेंगे तो शॉर्ट साउंड से रीड करेंगे, न थ नट, ठीक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, उसमें क्या लिखा है, देखिए क प्लस प। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाता है, कप। आप सबको पता है कप क्या होता है, जिसमें मम्मी पापा दादी दीदी आप सब क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, चाय पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कप। तो आपका फर्स्ट नंबर पे क है, सेकंड नंबर पे प, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा हम उसको फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, अब उसके बाद क्या है, प। तो अब हम प बनाएंगे, बन गया आपका कप। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पे, ट। और सेकंड नंबर पे कौन सा व्यंजन है, ब। अब हम फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है वहां से स्टार्ट करेंगे, ट ब टब। टब क्या होता है, जिसमें मम्मा क्लोज भी वॉश करती हैं, बेबीज को नहलाते भी हैं, बाथ टब भी होता है, नहाने वाला बिग बिग, जो होटेल्स में भी होता है, किसी किसी के घर में भी होता है, ठीक है। और प्लास्टिक टब्स भी आते हैं, तो उसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, टब ब टब। अब पहले ट है तो हम पहले क्या लिखेंगे, कौन सा व्यंजन लिखेंगे, ट, ठीक। सेकंड नंबर पे ब है तो हम क्या लिखेंगे, ब। ठीक, तो आपको भी ऐसे ही अपनी वर्कबुक में वर्क करना है। और सारे बच्चे, मैम सब बच्चों को बोल रही है, ऑफ एवरी क्लास आप इनकी रीडिंग करके अपनी अपनी मैम्स को सेंड करेंगे, सो दैट मैम्स को पता चले कि आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।